दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑटो टेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम अपना ये शोरूम जो है हमारा संत ऑटोमोबाइल हुंडई का है, जो संत हुंडई सर्विस एंड सेल, ये चंबा का है, चंबा परेल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये है नया मॉडल i20 का स्पोर्ट्स, इसमें 200 गियर जो मैनुअल है बट क्लच जो वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक क्लच, ठीक है। इसकी जो बेसिक फीचर हैं, जैसे देखो ये टेल लैंप, इसका टेल लैंप आ गया, ये देखो, ठीक है। शार्क कैंटीन आ गया, इसमें शार्क कैंटीन आ गया। देखो इसकी स्पेसिफिकेशन देखो दोस्तों, 1000 cc का इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 गियर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसका जो क्लच है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी इसकी जो LED है वो टच LED है, टच स्क्रीन, ठीक है दोस्तों। दूसरी आई ट्वेंटी ये है, ये भी i20 है, इसका जो है वो इसका ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, मैनुअल है, गियर भी एंड क्लच भी, ठीक है दोस्तों, ये i20। थर्ड नंबर आती है दोस्तों हमारी वेन्यू, ये वेन्यू का टॉप मॉडल है, ये SX एंड टर्बो चार्जर, इसमें क्या टर्बो चार्जर है दोस्तों, ये शार्क कैंटीन आ गया इसमें भी, ठीक है। और ये 1000 cc का इंजन है और मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल में है। और इसका ये सनरूफ है, इसमें सनरूफ और गाड़ी, ये फ्रंट व्यू उसका, ये फ्रंट व्यू आ गया इसका। फोर्थ नंबर आती है हमारी ये ओरा कार, ये भी हुंडई की, ये देखो ओरा कार, ओरा का न्यू मॉडल आया, ये एक्सेंट की जगह, ठीक है दोस्तों, ये ओरा। अब चलते हैं हम अपने अंदर, ये सेंट्रो आ गई, ठीक है दोस्तों, सेंट्रो आ गई और न्योस आ गई। चलते हैं हम अंदर, अब अंदर में ये आती है हमारी, ये हमारा शोरूम है, ये i20 आ गई, i20 की आ गई है, वो सेंट्रो और वो न्योस आ गई, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हुंडई का शोरूम है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सफाई होती है हमारे यहाँ शोरूम में, देख सकते हैं आप कुछ भी, मतलब बहुत अच्छी सफाई होती है हमारे यहाँ शोरूम में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा शोरूम, चलते हैं हम अपने वर्कशॉप की तरफ। ये हमारा शोरूम है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा हुंडई का शोरूम है जो परेल चंबा में है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो सर्विस भी बहुत टाइम से अवेलेबल होती है और अच्छे सर्विस की जाती है, सली वक्त सर्विस की जाती है हमारे यहाँ पर। ये हमारा शोरूम है, चलते हैं हम अपने वर्कशॉप की तरफ, ठीक है दोस्तों। ये हमारी गाड़ी पिछले कल जो आई थी काम होने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसका बम्पर जो है फ्रंट बम्पर किसको बोलते हैं, ये बम्पर जो फ्रंट बम्पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हमारा, ये आपको हम अपना वर्कशॉप दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा वर्कशॉप है, खास बड़ी भी नहीं है बट इतनी छोटी भी नहीं है, काम यहाँ पर बहुत सली से होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी दो लिफ्टें आ गई, एक ये और एक ये, दो लिफ्टें आ गई, ये हमारा वर्कशॉप आ गया। अब चलते हैं हम आपको अलाइनमेंट मशीन की दिखाते हैं, ये अलाइनमेंट मशीन है हमारी जो व्हील की अलाइनमेंट की जाती है, ये अलाइनमेंट मशीन आ गई हमारी, ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी अलाइनमेंट मशीन, ये आ गई हमारी प्रेस मशीन, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है इसमें जो 10 टन तक इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ये प्रेस मशीन आ गई। ये आ गया हमारे टूल रखने के लिए जो है, ये आ गई, ठीक है दोस्तों। इस मशीन के बारे में आपको बता देते हैं, ये मशीन जो हमारी AC गैस के लिए, जो कार में AC गैस फिल की जाती है उसको भरने के लिए, ये AC गैस, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ की मशीन है। और ये हमारा स्टोर आ गया, ये हमारा सब सामान यहाँ दोस्तों टाइम पे अवेलेबल होता है, ये देख लो सभी सामान हमारा जो यहाँ पर टाइम पे ही अवेलेबल होता है, जैसे कोई इशू नहीं है, मतलब जैसे टाइम से कोई सामान आपको अवेलेबल ना हो, यहाँ पर सारा सामान जो हमें टाइम से ही अवेलेबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्टोर आ गया, ठीक है, स्टोर आ गया। अब चलते हैं हम आगे, अब मैं इस मशीन के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। ये हमारी बैलेंसिंग मशीन है, टायर को बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये हमारी बैलेंसिंग मशीन है, ये आ गई हमारी बैलेंसिंग मशीन।
फिर दोस्तों इसके बारे में तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा कि व्हील की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है दोस्तों, ग्राइंडिंग, ये इसके बारे में तो आप जानते होंगे ग्राइंडिंग मशीन है। और जो ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन जो है, जो लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट मशीन बोलते हैं इसको, लिफ्ट मशीन है जो। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गई हमारी, ये हमारी जो है ये, इस मशीन के बारे में आप जानते होंगे, ये हवा भरने की वाली मशीन है, एयर को फिल करने वाली, टायर में जो एयर फिल की जाती है उसकी मशीन है ये। ठीक है दोस्तों, इस मशीन में जो है ये हम प्रेशर जो आप बार पे भी, ये देखो यहाँ लिखा है बार, बार पे भी और PSI पे भी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है प्रेशर के यूनिट होते हैं बार और PSI। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है गाड़ी से कूड़ा कचरा निकालने के लिए वैक्यूम, वो चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप आ गई अब वॉशिंग वर्कशॉप, यहाँ पर देख लो आप किस तरह से काम होता है, जो हमारा सली बक्स काम किया जाता है, अच्छे से काम किया जाता है हमारा ये वर्कशॉप है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लड़के कितनी ईमानदारी से और कितने अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी वर्कशॉप में जो है वो सर्विस भी, सेल पे भी, और जो वॉशिंग है तसली बक्स काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई हमारे यहाँ पर कंप्लेंटें नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, ये देख लो आप,